बहाड़ी गुलदस्ता समूह की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि इस बार फूलों की होली खेलकर जागरूकता का संदेश दिया जाएगा। उन्होंने समूह सदस्यों को इस पर्व की खुशियों में शामिल होने की अपील की। इस दौरान संस्था के कई सदस्य मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इस बार फूलों की होली ही खेली जाएगी और दूसरों से भी अपील की कि वे केमिकल युक्त रंगों से होली न खेलें। उन्होंने कहा कि इस त्यौहार को सभी मिलजुल कर व प्यार के साथ मनाएंगे। इस अवसर पर उनके साथ संस्था के कई मेंबर मौजूद रहे। पठानकोट से सोनू गुप्ता की रिपोर्ट, एएमआई न्यूज हिमाचल। जय श्री राधे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम पहाड़ी पर सभी गुलदस्ता क्लब के जो मेंबर हैं उनके, हमारे प्रधान जी संजय विग जी, उनके साथ में हम जो जी होली का प्रोग्राम रखा है, सोमवार के दिन फूलों के संग होली मनाएंगे। एक शाम या एक सुबह बांके बिहारी के संग फूलों के रंग के साथ होली हम मनाएंगे। सभी से गुजारिश है, जो भी हमारी जो खबर सुन रहे हैं या देख रहे हैं, कि वो होली वाले दिन सुबह 6 बजे शिमला पहाड़ी पे आए और गुलदस्ता क्लब की तरफ से, गुलदस्ता क्लब के साथ मिलकर फूलों की होली मनाएं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। शिमला पहाड़ी गुलदस्ता समूह की ओर से होली के उपलक्ष्य पर इस वर्ष फूलों की होली खेली जाएगी। त्यौहार हमारे भारतीय संस्कृति का प्रचायक और हम सबको मिलजुल कर ये त्यौहार मनाने चाहिए। और ये होली का त्यौहार हम जो केमिकल युक्त ये जो रंग लगाते हैं उसके बजाय हम फूलों की होली खेलकर ये त्यौहार मनाएंगे। और सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये त्यौहार सबके जीवन में मंगलमयी हो और हमको मिलजुल कर ये सभी त्यौहार मनाने चाहिए। धन्यवाद। क्लब की ओर से, सारे मेंबर्स साहिबान से की तरफ से सबका धन्यवाद करता हूँ और सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मेरी गुजारिश है कि आज जो केमिकल वाले रंग वो कोई ना लगाए, फूलों से होली खेले और गुलाल जो अच्छे वाला है वो लगाए। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता सबसे अच्छा, डिफेंस रोड ममून पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।